हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आए हैं देहरादून और मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी कहीं जा रहे हैं तो दिखाऊंगी आपको हम कहाँ जा रहे हैं। ओहो, और कैसे कैसे हो आप लोग बताना। आज है क्या है, फ्राइडे, आज है क्रिसमस डे। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो क्रिसमस डे की। और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग बताना। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स ये हो गया है प्लास्टर, बस ये एक दिन का ये रह गया है। और बस एक दिन का ये रह गया, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस अंदर जो स्लिप बनती है किचन की वो, और जो अलमारियां बनती है, बस वो ही काम रह गया। मतलब इस ठेकेदार का ये काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा जो अब आगे काम होगा वो स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम गए थे गैस ऑफिस, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही है, बट काम हुआ नहीं। क्योंकि मतलब शादी में गैस वगैरह जो मिलती है ना, सिलेंडर गैस कनेक्शन था तो वो वहीं का था, मायके का। तो वो ट्रांसफ़र करवाया था हमने, 2 साल पहले करवाया था। और ट्रांसफ़र करवा के तो ले आए थे वहाँ से, लेकिन यहाँ से हमने वो नहीं किया था, लिया नहीं था मतलब। लेकिन गए थे आज तो हुआ नहीं वो काम, फिर अब किसी और दिन जा करना पड़ेगा। और मकान का यही है, प्लास्टर वगैरह दिखाया मैंने आपको, बस अब एक ये रह गया एक दिन का, और थोड़ा अंदर का काम रह गया है, अलमारी वगैरह बननी है बस। तो इन मतलब 2-4 दिन का काम है बस, तो फिर काम कंप्लीट हो जाएगा इन ठेकेदार का कंप्लीट। उसके बाद वो ये पत्थर वगैरह, दरवाजे पत्थर, टाइल्स वगैरह लगेंगी। और बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ, शायद आगे कंटिन्यू ना कर पाऊँ, थोड़ा बिजी भी हूँ। और फ़ोन भी मेरा बहुत ख़राब हो गया है, फ़ोन भी ना हैंग हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी टाइम स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही, शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जिस समय फ़ोन ऑन कर रही हूँ, पत्थर देखने गए थे हम कल, मैंने बताया था ना आपको, कल गए थे दिखाया भी था, लेकिन फ़ोन ही ऑन नहीं हुआ। थोड़ा सा हुआ तो थोड़ा सा क्लिप मैंने ले ली थी, उसके बाद फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ। फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी टाइल्स की, बट फ़ोन ही मेरा ऑन नहीं हुआ। और दोनों फ़ोन घर में ही छूटे हुए थे, यही फ़ोन लेके गई थी और यही ऑन नहीं हुआ। बस यही है, फ़ोन की भी प्रॉब्लम्स हो रही है, थोड़ा यहाँ भी बिज़ी हूँ। और कल जाएंगे हम यहाँ से, तो चलो फिर नए व्लॉग के साथ, नई रिफ्रेशमेंट के साथ मिलूँगी आप लोगों को। बाय बाय। तो फ्रेंड्स कितना देर आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं देहरादून से और बना रही हूँ चाय। बहुत अंधेरा हो रहा है, लाइट बहुत हुआ है ना हल्की। और मैंने बोला था कि मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, बट नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत छोटा हो रहा था। तो
तो फिर यही था मेरे को कि चलो कोई नहीं, मैंने कहा फिर एक दिन का और बना के डाल दूंगी, इसमें मिक्स कर दूंगी। बहुत छोटा हो रहा था तो इस वजह से मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। और मैं आ गई हूँ यहाँ, हम रूम पे आए हैं और आते ही आपको पता ही है कि किचन धूल रहती है, तो यही गैस का चूल्हा साफ किया और ये इधर कपड़े से साफ करके अब चाय बना रही हूँ। और बच्चों की डिमांड है कि बनानी है मैगी, तो मैगी बनाती हूँ, क्योंकि वैसे तो खाना खा के आए थे बट फिर भी बच्चों को भूख लग जाती है। तो आप लोग कहाँ पे रखो, यहाँ स्टैंड निकाला नहीं है अभी, तो इसलिए बस ऐसे ही काम चल रहा है, और इधर उधर रख के। मैंने कहा था मसाला वाला चाहिए तो मसाला वाली चाय ले लेते हैं। दूध डाल दूंगी मैं, अब बच्चों के लिए मैगी भी बना दूंगी। बहुत हो रहा है ना मेरा सा, अभी ना समझ में भी नहीं आ रहा कब से आए नहीं ना कि बर्तन कहाँ है, मैं कि अच्छा इस पे बना, फोन ना जल जाए मेरा, तो इस पे बनाऊंगी मैगी बच्चों के लिए। थोड़ा धुलना भी जरूरी है क्योंकि धूल रहती है। ओ चाय 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 चाय, तो बस बच्चों के लिए मैगी बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। कि गर्मा गर्म मैगी क्या खाओगे? हाँ, मैगी खाएंगे। क्या खाओगे? इधर देखो मैगी आ रहा, इधर देखो मैगी 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 खाएंगे, ये मैगी। तो फ्रेंड्स, मैगी खा के और चाय पी के मैं आ गई थी यहाँ पे, और अंधेरा दिख रहा है काफ़ी, क्योंकि यहाँ कभी मैंने रात को बनाई नहीं, व्लॉगिंग करी नहीं, तो लाइट लगवानी पड़ेगी। वैसे ट्यूबलाइट तो है बट CFL नहीं है, इस वजह से अंदर आते। यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी लेके, और आरव कर रहा था पढ़ाई, अपना होमवर्क कर रहा था, और छोटा वाला बेटा भी कर रहा था, पापा पढ़ा रहे थे उसे, उनकी परसों कॉपियाँ चेक होंगी तो इस वजह से। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बस मैंने चावल भिगो लिए थे, और मैं खिचड़ी बना रही थी, पुलाव बना रही थी, मटर पुलाव, और काट रही हूँ यहाँ पे आलू मटर और प्याज टमाटर काट के हमने। हाँ, कोई तहरी बोलता है, कोई खिचड़ी बोलता है, कोई पुलाव बोलता है, सबकी अपनी वो है। तो मैंने गैस जला लिया था और बना रही थी, खा लेते हैं, पहले बच्चे खाते नहीं थे बट अब खा लेते हैं शौक से, तो बना लेती हूँ मैं। थकान भी हो ही रही थी क्योंकि होता है 2-3 दिन से हम वहाँ थे, तो दूसरी जगह थोड़ा मतलब चाहे ठीक ठाक है सब चीज़ रिलैक्स के लिए है, बट फिर भी ना जो अपने घर में रिलैक्स रहता है वो कहाँ बाहर रहता है, तो इस वजह से थके हुए भी थे। तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बना देते हैं, और थोड़ा थोड़ा मैगी भी खा ली थी तो इतनी इच्छा भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने छोंक ली थी खिचड़ी। और इसके बाद बस मैंने जो चाय के बर्तन थे वो धुलने लगी थी यहाँ पे, और बस मैंने कहा खिचड़ी मैंने चढ़ा दी थी और बर्तन धुलने लगी थी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।